हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी गुरु गजेंद्र चौधरी में। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्भव कब हुआ, एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए किस प्रकार ज़रूरी है। जिस प्रकार एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक आदमी के अंदर आंकड़ों का होना उतना ही ज़रूरी है जितना आप लोगों का कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात आएगी तो ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक मोबाइल फ़ोन और अपने कंप्यूटर या पीसी या टैबलेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन यह यूजर तथा हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। अर्थात अगर यूजर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होकर के गुजरना पड़ेगा। यहाँ जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम करेंगे तो कम्प्लीटली जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। आगे वाली स्लाइड में मैं आपको इसके एप्लीकेशन समझाऊँगा कि किस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, इस इमेज के माध्यम से आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इसके बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच में। यहाँ यूजर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ लेता है, लेकिन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ तभी कर पाता है जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये कर क्या क्या सकता है। तो ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आप यहाँ पर देख रहे हो जितनी भी डिवाइसेज यहाँ कनेक्टेड है इन सभी डिवाइसेज को मैनेज करने का काम करता है। अर्थात सबसे पहला काम होता है इसका हार्डवेयर संसाधनों को मैनेजमेंट करने का। अक्सर आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग करता है, तो आपका जवाब केवल एक ही होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ दूसरा काम आप देख रहे हो, हार्डवेयर संसाधनों के अलावा जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो स्प्रेडशीट हो, चाहे वो डाटाबेस हो, इन सभी का जो मैनेज कर रहा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की कि एक्चुअल में इसके जो फीचर हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से ये आपके कंपटीशन एग्जाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अंक आता है। सबसे पहला काम इसका हो जाता है हार्डवेयर संसाधनों को मैनेजमेंट करना, मतलब जितने भी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेज आपकी जुड़ी हुई हैं उन सभी को मैनेज करना, उन सभी को कमांड्स है प्रॉपर तरीके से जा रही है नहीं जा रही है। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है सबसे पहला जो प्रोग्राम लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होता है। मैंने आपको बता दिया है कि जिस प्रकार ह्यूमन शरीर के अंदर आत्मा का होना जरूरी है, उसी प्रकार मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरी होना जरूरी है। मोबाइल और कंप्यूटर तभी ऑन होंगे जब उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दूसरा मैंने बताया कि इनपुट तथा आउटपुट के अलावा जो भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेज जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो मॉडेम हो, चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे वो स्कैनर हो, इन सभी का मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी टर्म्स आती है कि ये मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, कि मेमोरी का मैनेजमेंट से मतलब है जब यूजर या कोई भी कंप्यूटर पर जो काम करने वाला व्यक्ति है जब इसका उपयोग करेगा तो वहाँ पर जो डाटा को सेव करेगा या डाटा को स्टोर कहाँ किया जाएगा, इस चीज़ का निर्धारण कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि लगभग सारे काम है वो आपका कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो फाइलों का जो मैनेजमेंट होता है, फाइलों को व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है, जो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसका नेक्स्ट जो टास्क आता है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है पासवर्ड के माध्यम से। जब कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में या
या कभी कंप्यूटर या टैबलेट पीसी में जब आप पासवर्ड लगाते हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही के माध्यम से आप लोग उस पासवर्ड को मैनेज कर पाते हो। तो इसका जो फीचर नेक्स्ट फीचर आता है वो सिक्योरिटी फीचर। अब हम बात करते हैं कि कमांड इंटरप्रेटर, इसका मतलब है यूजर कंप्यूटर को सबसे पहले जो इनपुट जो देता है उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के माध्यम से, फिर बाद में अपने को रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों जो यूजर या आप जो कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो और ये आपको आउटपुट मिल रहा है, इसके बीच की जो इंटरनली प्रोसेस को तो सीपीयू कर रहा है, लेकिन ये जो निर्देश हैं कि जो आप निर्देशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला रहे हो या सॉफ्टवेयर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो, तो वो सारा काम किसका हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टमों के फंक्शंस जो अभी आपने पढ़ा था। तो देखिए इधर फंक्शन की बात की जाती है, मेमोरी मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, फाइल मैनेजमेंट आपको बता दिया, डिवाइस मैनेजमेंट आपको बता दिया, सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ देखिए सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब है कि जो यूजर कई बार सीपीयू का उपयोग जब करता है एक समय में वो एक से अधिक कार्य करता है, एक से अधिक कार्यों के माध्यम से कि उसका टास्क कौन सा टास्क सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, इस चीज़ का निर्धारण कौन करता है? फंक्शन, इसे ही बोलते हैं जॉब अकाउंटिंग। इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती है हार्ड डिस्क आ गई, आपकी सीडी आ गई, पेन ड्राइव, इन सभी का मैनेजमेंट भी कौन करके रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है, माना कि आपने एक समय में म्यूजिक बजा रखा है और उसी समय आप प्रिंट देते हो, तो उसका ये जो प्रोसेस का जो मैनेजमेंट कर रहा है कि आप म्यूजिक भी सुन रहे हो और इसके साथ साथ आप कौन सा काम कर रहे हो? प्रिंटिंग भी दे रहे हो, तो ये जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। बात करते हैं नेटवर्किंग में, ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है। नेटवर्किंग का मतलब होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद डाटा का आदान प्रदान किया, इसके अंदर जो ये कनेक्शन जो प्रोवाइड किया है, कनेक्शन के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों कंप्यूटरों के दिए गए इनपुट्स को समझ रहा है और कौन से सिस्टम पर आउटपुट रिप्रेजेंट करना है, इसको ही हम नेटवर्किंग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, आपको पहली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था कि एक्चुअल में देखिए इधर कि यहाँ यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के लिए कितना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इधर ऑपरेटिंग सिस्टम की डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अब बात करते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दुनिया का सबसे पहला जीयूआई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था मैक ओएस। क्या नाम था? मैक ओएस, जिसे लगभग 1984 में एप्पल कंपनी ने बनाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जीयूआई पर आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम क्या था? मैक ओएस। मोबाइल फ़ोन के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, इसके अलावा आईफोन के लिए आईओएस लिया जाता है। बात करते हैं उबंतु, लगभग अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि सबसे सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज। दोस्तों देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं अलग से वीडियो में बना के बताऊँगा आप लोगों को कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या इतिहास रहा हुआ है। अभी बस इतना समझिए कि लगभग सक्सेसफुल जो सारे कंप्यूटर्स के लिए अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो विंडोज़ चलता है। विंडोज क्या होता है, विंडोज़ के कितने संस्करण हैं, इसके बारे में आप लोगों को अलग से वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल से कि कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करते हैं यूजर के इंटरफेस पर। इंटरफेस का मतलब होता है जोड़ना, यह सीयूआई पर आधारित भी हो सकते हैं और जीयूआई पर आधारित। सीयूआई पर आधारित दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं जिनका नाम होता है एमएस टोस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सीयूआई जहाँ पर कमांड के माध्यम से ही यूजर
कंप्यूटर सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ता है। यह टेक्नोलॉजी GUI कहलाती है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब कोई भी यूजर कंप्यूटर से इमेज के माध्यम से जुड़ता है वो ग्राफिकल। मैंने पहला आपको बता दिया मैक OS था। इसके अलावा बहुत सारे जितने भी लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लाइनक्स की बात करो, चाहे विंडोज की बात करो, चाहे आपके सैमसंग की बात करो, विंडोज मोबाइल की बात करो, ये सारे GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जाना, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के काम करता है, फंक्शंस आप लोगों ने जाने, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके देखे, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल IT गुरु गजेंद्र चौधरी को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको छोटे छोटे टर्म्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।